महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने उपचुनावों का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने यूपी की 10 में से 9 सीटों पर ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देकर मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया। अब समाजवादी पार्टी पूछ रही है, अगर याचिका की आड़ में मिल्कीपुर का चुनाव टाला गया है तो फिर सीसामऊ में याचिका लंबित होने के बावजूद चुनाव कैसे हो रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश का कहना है कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही 15 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया। लेकिन यूपी के जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ उनमें सबसे चर्चित अयोध्या के मिल्कीपुर का नाम ही नहीं आया। चुनाव आयोग से इस बाबत जवाब भी आया, कारण ये कि मिल्कीपुर को लेकर कोर्ट में याचिका लंबित है। इलेक्शंस 13th नवंबर वुड बी डेट ऑफ पोल। मिल्कीपुर आल्सो इज अंडर इलेक्शन। जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे जिनमें मिल्कीपुर सीट ही सबसे चर्चित, क्योंकि ये सीट उन्हीं अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में पटखनी दी थी। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया और मिल्कीपुर को छोड़ दिया तो समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी ने हार के डर से अयोध्या की जंग टाल दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी। चुनाव आयोग के मुताबिक मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका के कारण रोकी गई। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के नामांकन नोटरी में त्रुटि को लेकर बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और पूर्व विधायक की ये याचिका अब भी विचाराधीन है। अभी पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 2022 में मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी और हालिया लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से जीतकर सांसद भी बन गए। हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बाबा गोरखनाथ के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपने बयान से पलट गए। मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहाँ पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी और हम जल्दी ही इस पिटीशन को एक दो दिन में जो भी समय लगेगा इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करके उसके बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे क्योंकि अब इस पिटीशन को प्रेस करने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी जो याचिका थी, जो हमारे प्रेयर्स थे वो इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए और बाबा गोरखनाथ को वहाँ से विधायक मनोनीत करने की याचिका थी। हालांकि अब वो ऑलरेडी वहाँ पे विधायक नहीं है, वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से। अब चूंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ने उठाया है कि यहाँ पे इलेक्शन पिटीशन चल रही है, इसकी वजह से हम चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं और हम अगर अदालत तैयार होगी इस बात के लिए, अगर अदालत आगे भी इस मामले को सुनेगी तो हमारा अभी भी स्टैंड यही है, अभी भी ये मैटर हाईकोर्ट में चलेगा। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग ने याचिका के कारण ही मिल्कीपुर का चुनाव टाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि याचिका तो सीसामऊ सीट पर भी लंबित है, फिर वहाँ चुनाव कैसे हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में ना कराया जाए? आरोप यह है कि जिससे इन्होंने पर्चा दाखिला के समय जो प्रपत्रों की जो नोटरी कराया उस ऐसे व्यक्ति से नोटरी कराया जिसका लाइसेंस 5 साल पहले समाप्त हो चुका था, उसको लेकर के उन लोगों ने न्यायालय को में अपनी आपत्ति दर्ज की थी जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर का उपचुनाव अभी नहीं घोषित। हार का डर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर घर कर गया है कि वो 10 पूरी विधानसभा की जो उपचुनाव की सीट उस पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, चाहे जितनी कोशिश करें भाजपा के लोग, जनता के मन में जो नाराजगी है,
इस प्रदेश के युवाओं के मन में जो नाराजगी है, किसानों के, महिलाओं के, दलितों, पिछड़ों, जिनको सबको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी यही दावा कर रही है कि वो यूपी में सभी 80 की 80 सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन टाँटा फिस हो जाएगा। लेकिन नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भी ज्यादा सीटें जीत गई। मिल्केपुर से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को अयोध्या में पटखनी देकर बीजेपी को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। समाजवादी पार्टी 100% कॉन्फिडेंट में है, कॉन्फिडेंस एनएफ है। 9 सीटों का ऐलान हुआ है, 9 सीटें हमारी जीतेगी और एक सीट हमारी मिल्केपुर की, जहां से हम विधायक थे। सांसद होने के बाद 12 जून को हमने इस्तीफा दिया। मेरा इस्तीफा 13 जून को माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया और नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन में ये सीट वैकेंट कर दी गई हमारी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही दिन इस्तीफा दिए थे तो 13 जून को वैकेंट कर दी गई, वैकेंट हो गई करहार की सीट और मिल्केपुर सीट। उसी सीट पर चुनाव होना था लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है, चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे, चुनाव हार नहीं तो कल होगा ही और समाजवादी पार्टी जीतेगी। तब से जब भी यूपी में उपचुनाव का जिक्र आता है हर किसी के जबान पर सबसे पहले मिल्केपुर ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।